लास्ट टाइम पे मैंने कुछ डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे। लास्ट टाइम पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के को डिस्कस किया था, तो इसको आज स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा थोड़ा रिवीजन में और करा देता हूँ कि लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था। ये आपका पेपर है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, जिसका कोड है ELC 203। तो इसमें मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया हुआ था और सिलेबस मैंने आपकी गूगल क्लासरूम पे अपलोड भी कर दिया हुआ है। इस सिलेबस में नंबर ऑफ 5 यूनिट्स हैं टोटल, और इसको दो फैकल्टी हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल में यूनिट 1 के बारे में मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, और देन इसके लिए आपको जो बुक देखनी है वो वॉल स्ट्रीट बुक देखनी है। ये जो कौन सी सर? सेकंड नंबर पर लिखी है रिकमेंडेड बुक्स में, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी, ठीक है, बाय वॉल स्ट्रीट एंड नेस्ले पियर्सन पब्लिकेशन। और इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं कई सारी बुक्स में हैं, इनको आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स की बुक है, बेसिकली ये दो सब्जेक्ट को मिक्स करके ये सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। एक आपका लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक क्या है सर्किट। कि इसका एडवांस पार्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आपका बेसिकली क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पेपर हैं उनको कैसे सर्किट्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, देन वो चीज़ को यहाँ पर आपको सिलेबस में डिजाइन करके बताया गया होगा। तो जो आपने डिवाइसेस पढ़ी हुई हैं, बेसिक डिवाइसेस जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज द जी, डायोड ट्रांजिस्टर, मतलब डायोड, ट्रांजिस्टर, डायोड ट्रांजिस्टर, ठीक है, ठीक है, ये तो इसके बेसिक डिवाइसेस हैं। और आपका कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं, इंडक्टर क्या काम करता है, रेजिस्टेंस क्या काम करता है, ठीक है, तो कैपेसिटर के क्या काम है, जी दीज आर द पैसिव डिवाइसेस ना, पैसिव कंपोनेंट, तो जी ये किस तरीके से बिहेव करती हैं। तो ये आप लोगों ने बहुत 9th 12th से पढ़ रखा है, ठीक है। डायोड कैसे बिहेव करता है, आपको पता है कि डायोड एक आपका एज ए रेक्टिफायर बिहेव करता है ना, जी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने 12th लेवल में और जो BSc लेवल में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, जी और यहाँ के जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक पेपर पढ़ाया गया होगा अच्छा एमएससी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स समझ। में, हाँ, एक पेपर पढ़ा होगा ना आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का, है जी, हाँ पढ़ा है। ना, तो वो सारा रिवीजन एक बार आप लोग रिवीजन उसको कर लीजिए। तो आपको मालूम है कि डायोड आपका एज ए रेक्टिफायर बिहेव करता है, और जब रेक्टिफायर बिहेव करता है तो मीन्स आपको पता होता है कि आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना, यस सर, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दो तरीके से हम लोग वायसिंग कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड वायसिंग और एक रिवर्स वायसिंग। तो यही अच्छा बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप अपनी बुक से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। लास्ट टर्न पे मैंने आप इससे जो स्टूडेंट है दूसरे वाले के यहाँ, उससे क्या नाम है, गौतम, गौतम से, गौतम, हाँ गौतम से और पूछ लीजिएगा। मैंने ये एक टॉपिक को डिस्कवर कवर किया था, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो हमारी कंप्लीटली एसी से स्मूथ डीसी हमको जहाँ मिल जाती है, ठीक है, उस सप्लाई को हम ठीक लोग पावर सप्लाई की तरीके से देखते हैं। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक आज लेते हैं, जिनर एजेस, सीरीज एंड शंट रेगुलेटर। तो आपने एक सेंट्रल जिनर डायोड पढ़ा होगा ना, जनरल एसओ डायोड कैसे सीरीज में वर्क करता है, कैसे सेंटर में बिहेव करता है,
अब यहाँ पे उसका थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में देख लेते हैं कि किस तरीके से सर्किट में इसको अटैच करते हैं, कैसे ये बिहेव करता है। तो आपको ये पता है कि रेगुलेटर क्या काम करता है? जो भी सप्लाई है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो रेगुलेटर हाँ, तो देखो मेरे डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि व्हाट इज ए सीरीज एंड शंट रेगुलेटर। तो स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, सीरीज, दूसरा अच्छा स्क्रीन नहीं आ रहा आपको? स्क्रीन आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए स्क्रीन आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा। तो इसमें ये देखिए, मैंने डिफिनेशन सिंपल से पहले लिख दिया कि सीरीज रेगुलेटर क्या है, व्हाट इज द सीरीज एंड शंट रेगुलेटर। तो ए सीरीज रेगुलेटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड टू स्टेबलाइज द रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये तो आपकी सीरीज की डिफिनेशन हो गई कि सीरीज रेगुलेटर को हमें क्या करना है, इन सीरीज में कनेक्टेड करना है सर्किट को साथ में। और शंट रेगुलेटर को हमेशा ध्यान रखिए कि हमें पैरेलल में, लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है। जो भी डिवाइस का आउटपुट होगा उसके पैरेलल में हमको ये कनेक्ट कर देना है शंट रेगुलेटर। अब मैं इसकी एक वो ले लेता हूँ टॉपिक को, कैसे हम स्क्रीन दिख रही होगी, हम लोग इसको वोल्टेज रेगुलेटर देखते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या, ठीक है। तो इसकी कुछ आउटलाइन है, वोल्टेज रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, सीरीज रेगुलेटर, कंट्रोल रेगुलेटर। आपको जो मेनली पढ़नी है सीरीज और शंट रेगुलेटर आपको पढ़ना है, ठीक है। स्विचिंग रेगुलेटर, आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसके इंट्रोडक्शन में अब आप देखो कि आपको क्लियर होना चाहिए कि कई सारी आपकी पावर सप्लाईज होती हैं, जो हमें क्या करना है कि हमें कुछ जैसी एनर्जी चाहिए उसके साथ कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ हम लोग इसको अटैच करते हैं। तो ये थ्योरी में आपकी जो है आपके लिंक पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेना। तो इसमें बताया गया कि बैटरीज आर ऑफन शोन एज ए सिस्टमेटिक डायग्राम एट द सोर्स ऑफ ए डीसी वोल्टेज, बट यूजली द एक्चुअल डीसी वोल्टेज सोर्स इज ए पावर सप्लाई। आपको ध्यान देना कि एक्चुअल डीसी वोल्टेज सोर्स है वो आपका पावर पावर सप्लाई है। तो सप्लाई पावर सप्लाई आपकी दो तरीके से मेनली होती है, ठीक है। और बाकी कई सारी पावर सप्लाई हैं। तो मोस्टली मोस्ट आर डिजाइन टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज एसी मैन वोल्टेज सप्लाई और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड अदर डिवाइसेस, ठीक है। अब सिंपल मेथड क्या है कि डीसी सप्लाई को कैसे हम लोग डीसी पावर को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डीसी पावर को हम लोग ट्रांसफॉर्म करने का मतलब कि किस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं, इसको रेक्टिफाई कन्वर्ट करके, थ्रू द फिल्टर करके एंड रेगुलेटर कर एसी लाइन वोल्टेज करके, ठीक है। सकते हैं।
फिर एक पावर सप्लाई कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इन ए सीरीज ऑफ ब्लॉक्स, ईच ऑफ विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। अब देखिए ये सर्किट डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन देखिए, एक ट्रांसफार्मर लगा, एक इनपुट सप्लाई है, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एक रेक्टिफायर है। यहाँ क्या था, सप्लाई हमारे पास एसी थी, और ट्रांसफार्मर ने क्या किया, नहीं दिखाई, सर्किट एसी को, नहीं दिखाई दे रहा है सर। ओके ठीक अभी सर्किट दिख रहा है। हाँ अभी सर वोल्टेज रेगुलेटर देख रहा पहला वाला, अभी ठीक है, तो अभी देख ये रहा दिख हूँ, रहा है आपको, ठीक अभी देख रहा हूँ। है, ओके। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से पावर सप्लाई के हमारी बिहेव करती है। तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड डीसी वोल्टेज जो है आपका कांस्टेंट डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, इनपुट वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में, ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये क्या कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है कि जो भी वोल्टेज है उसको डाउन कर रहा है। फिर यहाँ से ट्रांसफार्मर एसी को, के बाद हम लोगों ने फिर एक रेक्टिफायर कनेक्ट किया हुआ है। तो ये ट्रांसफार्मर, उससे जो आउटपुट निकला वो रेक्टिफायर का इनपुट हो गया। रेक्टिफायर क्या काम कर रहा है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। अब डीसी में कन्वर्ट करने के बाद अब वो हमने फिल्टर में प्रोवाइड कर दिया। फिल्टर ने क्या किया, उस जो भी कंपोनेंट अनवांटेड कंपोनेंट थे उसको रिमूव कर दिया, और उसने क्या हुआ, एक एक कंप्लीट डीसी वोल्टेज हमको, डीसी आउटपुट हमको प्रोवाइड कर दिया नेक्स्ट आउटपुट की तरफ। तो फिर ये एक आईसी रेगुलेटर है फिल्टर के जस्ट बाद। जब फिल्टर के जस्ट बाद आईसी रेगुलेटर क्या कर रहा है, जो भी डीसी मिल रही थी उसको उसने कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट कर दिया इसे स्मूथली। देखिए एक यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये आईसी रेगुलेटर और लोड के बीच में जो वेवफॉर्म बनी है ऊपर, देखिए ऊपर ये ब्लू कलर से, ये आपका कांस्टेंट आपको दिखाई पड़ रहा अच्छा है। तो पूरा वर्कआउट क्या किया हुआ है कि एक ग्रुप ऑफ सर्किट है दैट कन्वर्ट द स्टैंडर्ड एसी वोल्टेज प्रोवाइडेड बाई द बॉल आउटलेट, ये यहाँ पर जो दिखाया गया है, टू कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। तो सिंपली आपको इतना सब समझना है कि स्टैंडर्ड एसी वोल्टेज को कांस्टेंट डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। जो मैंने अभी बताया कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, रेक्टिफायर क्या काम करता है, फिल्टर क्या काम करता है, और आईसी रेगुलेटर क्या काम कर रहा है, और लोड से जिस जो हम लोग इससे रन करा रहे हैं। तो सिंपली इसको समझ लीजिएगा, रेक्टिफायर जो होता है आपका, वो हम लोग हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट करते, दोनों को ले सकते हैं। और रेक्टिफायर मोस्टली हम लोग इन सर्किट के लिए ब्रिज सर्किट को यूज करते हैं। मैं आप नोट कर दूंगा, ये बहुत बेसिक है, इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। बेसिक इसमें ये बेसिक बेसिक ही है सर, पढ़ हाँ, ये सब बहुत बेसिक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सारे कंपोनेंट्स उसने रहे ओपन करके
एक एक करके बताया है, ठीक है। फिल्टर क्या जी काम सर, कर रहा है, फिल्टर आपका क्या कर रहा है, जो भी आपके फ्लक्चुएशंस हैं उसको रिड्यूस करने का काम कर रहा है। रेगुलेटर, हाँ रेगुलेटर क्या कर रहा है कि आपको कॉन्स्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज बाई रिड्यूसिंग रिपल, रिपल उनको भी जो स्टॉप कर दे रहा है। अब हाँ, रिपल है उनको रिमूव कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। रिपल है। रिड्यूस करने के बाद आपकी कांस्टेंट डीसी आउटपुट आपको वहां पर मिल जा रहा है। अब ये रेगुलेटर क्या है, जिनर डायोड एज ए रेगुलेटर पढ़ा है आपने, तो हाँ एक बार और सर रिपीट कर लो कि फॉर लो कांस्टेंट पावर सप्लाई ये सिंपल वोल्टेज रेगुलेटर कैन बी मेड विद ए रजिस्टर एंड ए जिनर डायोड कनेक्टेड इन रिवर्स। ये देखिए आप लोग, ये सर्किट डायग्राम देखो आपका, ये आपका एक जिनर डायोड या हेलो, वॉइस आ हेलो, रही है बेटा आपकी? आवाज नहीं आ रही थी अभी, आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है, अभी नहीं आ रही थी इससे पहले। हाँ, ओके। तो रेगुलेटर क्या बिहेव कर रहा है, रेगुलेटर आप लोग देख रहे हो कि जिनर डायोड्स आर रेटेड बाय देयर ब्रेक डाउन वोल्टेज बी जेड पावर पी जेड टिपिकली दिस रेंज, ठीक है। आपको सर्किट में लैब में आप लोग डायोड इस तरीके से आपको जनरल डायोड आपको दिखाई पड़ेगा, एनोड टर्मिनल एक कैथोड टर्मिनल, ठीक है। ये आपका सप्लाई हम लोगों ने दे दिया, यहाँ से जनरल वोल्टेज ये जो लाइन आप देख रहे हो ये आपको यहाँ पर प्लस बी जेड, ये आपका जनरल वोल्टेज आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। अब वोल्टेज रेगुलेशन किस पर डिपेंडेंट है, वोल्टेज रेगुलेशन आपका लाइन रेगुलेशन लोड रेगुलेशन, ठीक है। इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक लाइन रेगुलेशन एक लोड रेगुलेशन। तो पर्पज ऑफ द लाइन रेगुलेशन इज टू मेंटेन ए नियरली कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज व्हेन द इनपुट वोल्टेज वेरीज। जब आपका इनपुट वोल्टेज वेरी करेगा तब ये हम लोग लाइन रेगुलेशन को देख सकते हैं। देख सकते हैं। द पर्पज ऑफ लोड रेगुलेशन इज टू मेंटेन ए नियरली कांस्टेंट वोल्टेज व्हेन लोड वेरीज। अब इसमें जब लोड वेरीज होगा, लोड ठीक है, करेगा तो तो हाँ, और आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या था, इनपुट वोल्टेज वेरीज, ठीक करेगा है। ऐसा। अब इसी चीज को एक वेब फॉर्म के एक उसको जरा देख लो, समझ लो लाइन रेगुलेशन कैसे दिखाई पड़ेगा। तो एक ये वोल्टेज रेगुलेटर के बीच में ये हम लोगों ने इनपुट दैट इज द आउटपुट इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। सर अब लाइन रेगुलेशन ए चेंज इन इनपुट लाइन वोल्टेज डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रेगुलेटर विद इन सर्टेन लिमिट, तो डिक्रीज और इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज थ्रू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब यहाँ से लेकिन नो सिग्निफिकेंट, यहाँ से इनपुट वोल्टेज तो हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी बात की थी कि इनपुट वोल्टेज वेरीज, ये दिख रहा है ना आपको इनपुट अच्छा वोल्टेज वेरीज, तो अच्छा हाँ यहाँ से तो हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं लेकिन नो सिग्निफिकेंट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर हम लोग कोई वेरिएशन नहीं कर सकते, क्लियर, ठीक है। अच्छा तो ये आपका लाइन रेगुलेशन का रिजल्ट हो गया। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक फार्मूला है, कॉपी होगी आपके पास, जरा इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। ऐसे
कर लिया सर, कर लिया सर नोट। ओके okay. तो लाइन रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज फॉर ए गिवन चेंज इन द इनपुट वोल्टेज. तो लाइन रेगुलेशन का यही डेल डेल क्या आई आपका मीन चेंजेस जो वेरिएशन है, वेरिएशन ठीक हो है, गया और हाँ डिफरेंस हाँ भाई वेरिएशन सर। इनटू 100% ये फार्मूला यूज कर लोगे देन यस सर। लाइन रेगुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला. इस फार्मूले के थ्रू हम लोग लाइन रेगुलेशन भी कैलकुलेट कर लेंगे. अब लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन समझ में आ गया. लोड रेगुलेशन में क्या था कि ए चेंज इन लोड करंट ड्यू टू बेरिंग आर एल. लोड रजिस्टर अगर हम लोग वेरी कर रहे हैं एज ए प्रैक्टिकली नो इफेक्ट ऑन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेगुलेटर विद इन सर्टेन लिमिट. अब देखिए ये लोड, हाँ ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर, एक ये डिवाइस, एक ये इंस्ट्रूमेंट और एक ये इंस्ट्रूमेंट. अब यहाँ पर देखिए ये आपका आर एल वेरिएशन दिख रहा है आपको. हाँ ये एरो क्या साइन कर रहा है कि यहाँ से हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं, वेरी कर सकते हैं लोड, हाँ ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को. तो बढ़ाने और घटाने पर भी क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ आउटपुट पर नो चेंज है ना, ठीक है. तो ये आपका लोड रेगुलेटर हो गया. इसमें सिर्फ एक ही ये फैसिलिटी है कि हम लोग इसको कैलकुलेट कर, इसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है. आउटपुट में नो चेंज। हाँ नो चेंज. अब लोड रेगुलेशन क्या है, तो लोड रेगुलेशन में का ये फार्मूला है कि लोड रेगुलेशन कैन बी डिफाइंड एट द परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनएल बोलते हैं, और टू फुल लोड, मीन्स जब कुछ लोड नहीं है और फुल लोड के बीच में, ठीक है, परसेंटेज चेंज है जो, उसको हम लोग लोड रेगुलेशन कहते हैं. तो ये फार्मूला बी एन एल इक्वल टू नो लोड आउटपुट वोल्टेज, जब कोई लोड आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, और एक आपका द फुल लोड आउटपुट वोल्टेज. तो इस फार्मूले को नोट कर लो आप लोग, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसको कर लो. कर लिया सर। हो गया हाँ ठीक हो गया सर। है. लोड रेगुलेशन अब देखो एक डायग्राम है, इस तरीके से हम लोग लोड का रेगुलेशन करके देख लेते हैं. समटाइम्स पावर सप्लाई मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफाई द इक्विवेलेंट आउटपुट रेजिस्टेंस आर आउट इन स्पिट ऑफ इट्स लोड रेगुलेशन. ये आपका देखो यहाँ पर कोई लोड नहीं है, बी एन एल है, ठीक है, ये आपका आर आउट है और आपका यहाँ पर बी आउट है. अब इसको अगर कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर ये यह कहा गया कि पावर सप्लाई मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई द इक्विवेलेंट आउटपुट रेजिस्टेंस आर आउट. तो ये आपका इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, लोड आर एल की वैल्यू बता होनी चाहिए. तो हम लोग यहाँ से ये बी आउट कैलकुलेट कर लेंगे. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आर एफ एल इक्वल टू द स्मॉलेस्ट रेटेड लोड रेजिस्टेंस देन द बी एफ एल. बी एफ एल क्या, वोल्टेज एट द फुल लोड, फुल लोड पर. तो इसका अभी अब आगे जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो इसको पूरा आपको और क्लियर कर देंगे. लोड रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूले हैं, ये आप इनको नोट कर लेना बाद में, ठीक है,
इक्वेशन आपकी वही है, वोल्टेज एट द नो लोड, जब कोई वोल्टेज नहीं है तो रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू, फुल लोड पर रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, और वोल्टेज एट फुल लोड पर, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ना, नेक्स्ट आपको समझाते हैं। ये टाइप्स ऑफ द रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर में जो आपकी यूनिट में लिखा हुआ है कि सीरीज एंड शंट में, तो फंडामेंटल केसेस वोल्टेज रेगुलेटर आर लीनियर रेगुलेटर एंड स्विचिंग रेगुलेटर, ठीक है, मीन्स हमें स्विचिंग पर्पज से यूज करते हैं। तो टू टाइप के बेसिक आपके रेगुलेटर्स होते हैं, एक सीरीज में, एक के साथ सीरीज में लगा देंगे, और फिर और अगर शंट में पैरेलल शंट रेगुलेटर। सर्किट डायग्राम अगर देखो, ये सर्किट डायग्राम, हेलो, हेलो जी सर, जी हाँ वॉइस आ रही मेरी? आ रही है ये डायग्राम दिख रहा है आपको, सीरीज यस रेगुलेटर सर, और एक शंट एंसेंट रेगुलेटर। रेगुलेटर तो देखो, यस सर, हाँ लोड के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, यस सर, और शंट में क्या है कि लोड के साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए आप। यस सर, अब ये तो अब सीरीज रेगुलेटर को और डिफाइन कर लें, कैसे ये वर्क करेगा। तो एक ही ब्लॉक डायग्राम बना हुआ देखो, कंट्रोल यस सर, एलिमेंट, रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस सेंट्रल सर्किट। वोल्टेज, यस सर, कंट्रोल एलिमेंट क्या कर रहा है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में लगा हुआ, ठीक है। यस सर, सैंपल सर्किट क्या कर रहा है कि जो भी आउटपुट है सेंस कर रहा है, कर ओके, यस सर, रहा है। एरर डिटेक्टर क्या कर रहा है कि सैंपल वोल्टेज को और सैंपल वोल्टेज विद रेफरेंस वोल्टेज वोल्टेज, हाँ, ये देखो लिखा हुआ, एरर डिटेक्टर कंपेयर सैंपल वोल्टेज विद रेफरेंस वोल्टेज, वोल्टेज, हाँ, कॉज कंट्रोल एलिमेंट टू कंपनसेट इन ऑर्डर टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज। क्या वोल्टेज कर रहा है कि कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज को हमको प्रोवाइड कर रहा प्रोवाइड कर, है, ठीक है। तो दो तरीके से ये हमने बता दिया आपको कि सीरीज रेगुलेटर और शंट रेगुलेटर। तो ये आपका सीरीज रेगुलेटर सर्किट, ये सर्किट है आपका। अब ओपन, अब क्या कि ऑपरेशन एम्पलीफायर पढ़ा था तुमने बीएससी में, सुना होगा, है ना, पढ़ा यस सर, यस सर, था यस बीएससी सर, में। हाँ यस सर, पढ़ा हाँ दैट इज द, ये क्या आपका एज ए रेगुलेटर की तरह ही बिहेव करता है। इट यस कैन ऐड समिंग डिफरेंशिएट इंटीग्रेटिंग द सिग्नल्स, है ना। तो सर, किस तरीके से हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इस सीरीज रेगुलेटर को यूज कर सकते हैं, ये यस सर, डायग्राम देखो। अनरेगुलेटर वोल्टेज है, ये एक ऑपरेशन एम्पलीफायर कनेक्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, जिसको एज एरर डिटेक्टर की तरह बिहेव कर, एक ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, और ये एक सैंपल सर्किट। ये जो अभी हमने यहाँ पर बताए ये चीजें, ठीक है, इनके इंटरनली क्या है इनके अंदर, तो ये सर्किट आपका सैंपल क्या सर्किट, सर्किट ये बनता है यस सर, इंटरनली इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब यस सर, अनरेगुलेटेबल इनपुट, ये देखो आप एक जेनर डायोड यूज कर लिया यहाँ पर, ये और हमारा जो सैंपल सर्किट में ये दो रेजिस्टेंस लगा दिए, इधर डिटेक्टर में ये कर लिया, और कंट्रोल एलिमेंट आपका इस ट्रांजिस्टर के थ्रू हो गया। सर, इस तरीके से आप लोग जेनर डायोड को ओपन सीरीज रेगुलेटर्स में भी यूज कर सकते हो। अब इसकी भाई सब वैल्यूज लिखी हुई हैं कि R1 R2 सेंस चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइडेड फीडबैक वोल्टेज, कहाँ पर R1 R2, ये आपके R1 और R2 ये वाले। बात हुई है सर।
द एरर डिटेक्टर कंपेयर द फीडबैक वोल्टेज विद द जेनर डायोड रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है, और द रिजल्टिंग डिफरेंस वोल्टेज क्रॉस द ट्रांजिस्टर Q1 कंट्रोल द कंडक्शन टू कंपनसेट द वेरिएशन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज. द आउटपुट वोल्टेज विल बी मेंटेन्ड एट द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू. ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, है ना. आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू 1 प्लस R1 R2 इनटू BZ. R1 R2 की वैल्यू, R1 R2 ये है और BZ क्या आई आपका जनरल वोल्टेज, है जनरल वोल्टेज ना. फिर इसी का ट्रांजिस्टर सर्किट अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये तो अभी हमने एक ऑपरेशन एम्पलीफायर लेके बनाया था, ठीक है, ये देखो. और अब एक ये ट्रांजिस्टर को लेके करते हैं सिंपल, तो आप ट्रांजिस्टर ऑनली ऐसा दिखाई पड़ेगा. आवाज नहीं आ रही सर. हेलो. हाँ, एक सेकंड अभी. हाँ, आवाज आ रही है अब. हाँ अभी आ रही है सर. एक सेकंड. ट्रांजिस्टर एज ए सीरीज रेगुलेटर, तो वही आपके इनपुट अनरेगुलेटेड वोल्टेज. एक ये ट्रांजिस्टर के साथ ये आपको जनरल डायोड कनेक्ट कर दिया. ट्रांजिस्टर आपका जो सीरीज कंट्रोल एलिमेंट है, जो आपका रेगुलेट, ये आपका आउटपुट यहाँ पर आप प्रोवाइड कर रहा है. जनरल डायोड यहाँ पर क्या कर रहा है, एक आपको रेफरेंस वोल्टेज, ये देखो यहाँ से ये एक रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है. अब इसका ट्रांजिस्टर सर्किट डायग्राम समझ में आ रहा है. अनरेगुलेटेड सर वोल्टेज, जनरल डायोड कनेक्टेड, और यहाँ पर ये लोड हमें किसके थ्रू लेना है, इसके थ्रू लेना है. अब सिंपल इसमें क्या है कि आपको ध्यान देना है कि वोल्टेज बिटवीन बेस एंड अमीटर, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड अमीटर, कौन सा अमीटर है, ये वाला ना, सर ठीक है, इसके बीच में जो एरो देख रहे हो, इसके बीच में हमें क्या करना है, इसका वोल्टेज लेना है. तो वोल्टेज लेना है कैसे कैलकुलेट करोगे, BZ - D0. बी जेड कहाँ से जनरल मिलेगा, यहाँ से है, और बी नॉट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, आउटपुट वोल्टेज. जेनर से, ठीक है. हाँ, तो ये हम लोग इसका निकल आएगा आपका. तो इस चीजें ये ध्यान रखने वाले कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट कर दिए गए हैं कि द रिस्पॉन्स ऑफ द पास ट्रांजिस्टर टू चेंज इन द लोड रेजिस्टेंस एज फॉलोज. इफ द लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज, लोड वोल्टेज ऑल्सो इंक्रीज. अगर हम लोग लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो लोड वोल्टेज हमारा भी इंक्रीज होगा. देन सिंस द जनरल वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, देन द इंक्रीज इन बी नॉट कॉज BBE टू डिक्रीज, ये आपका डिक्रीज होगा. अगर ये BBE डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि लोड करंट भी ऑलरेडी डिक्रीज होगा, और अगर ऑफसेट ऑफ द इंक्रीज द सर लोड रेजिस्टेंस तो रिलेटिवली लोड वोल्टेज आपका कॉन्स्टेंट मेंटेन हो जाएगा. ये लिखा है, दिस ऑफसेट इज इंक्रीज इन द लोड रेजिस्टेंस एंड रिलेटिवली कॉन्स्टेंट लोड वोल्टेज इज मेंटेन. तो एक ये न्यूमेरिकल यहाँ पर है, ठीक है, डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द रेगुलेटर बिलो दिस वन. रवि, सर आज तुम्हारे लिए इतना ही रखते हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि इसको तुम एक बार और पढ़ना, ठीक है. तो हाँ, ये सर्किट डायग्राम इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना, अभी मैं ये अच्छा, क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है. जनरल और वोल्टेज ये जो R1 के, हाँ बेटा, अभी जो जो
फॉर्मूला लिखा था ना, उसी से तो होगा ये सर। हाँ उसी से ही होगा, ये उसी से ही होगा। ये ये सर आप ये दे रखा है एक R1 R2 दे रखे हैं। हाँ दे रखे हैं, ठीक है, R1 और ये सब वैल्यू दी हुई, R1 R2 और R3, और ये आपका डायोड की वैल्यू, ठीक है, 15 वोल्ट यहाँ से इनपुट दे रहे हो। तो एक दूसरी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, इन दोनों फार्मूला आपको बता दिया मैंने, कैलकुलेट सर करना है ना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे आपको हम लोग ये शंट रेगुलेटर सर्किट पढ़ते हैं। और आज कोई भी डाउट लेक्चर में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा भी किसी टाइम आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई समझ में नहीं आ रहा, पहले जो भी चीज़ें हैं एक बार आप बेसिक, ये आज सर जो जितनी आपने जो ये भी पढ़ाया, नोट्स होंगे ये नोट्स कहाँ पे होंगे सर? हेलो नोट्स बेटा ये मिल जाएंगे आपको, बुक में मिल जाएंगे, वरना ये पीपीटी नहीं सर, जैसे कि आप बता रहे थे नहीं अपने डिटेल्ड है आपको, आप। पीपीटी कहाँ से मिलेगी इसकी? हेलो ठीक है, आवाज और नहीं मुझे आ रही फिर है सर। बताना, मैं आपको कुछ हेलो हाँ हाँ सर मैं आपको कुछ मेटर हाँ कुछ मटेरियल और आपको बुक और भी बुक मैं आपको यहाँ से स्कैन करके आपको और भेज दूंगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक ठीक पहले सर। इतना, आप आज क्या काम करोगे, पुराना जिनर डायोड जो आप जेनर डायोड और रिएक्टिफायर 12th वगैरह लेके BSc तक में, उसको एक बार रिपीट कर लो, है सर, ना। डायोड हाँ, रिएक्टिफायर वो सब और एक बार रिपीट कर लो, फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, इनको एक बार रिपीट कर लो, फिर इसको पढ़ना शुरू, ठीक ओके है बेटा। ओके सर। चलो, क्या आपका रोल नंबर क्या यहाँ पर बताया गया है कॉलेज में? कॉलेज में 105 था कल लास्ट में। ठीक अच्छा, तो ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को भी बता देना अगर आपकी बात होती है, और जो है क्लास स्टार्ट हो गई है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके थैंक ओके यू सर। ओके।